मेरे पास बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं और इंस्टाग्राम पे बच्चे लिख रहे हैं, सर असर्शन रीजन क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, इसका टेक्निक क्या होती है। असर्शन रीजन क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, सब बच्चे ध्यान सुनिए। सबसे पहले तो आप असर्शन और रीजन को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका असर्शन क्या है, प्रैक्टिकली अ वोल्ट मीटर विल मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी नॉट इट्स ईएमएफ। मतलब ये कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो ईएमएफ नहीं नापता, वोल्टेज नापता है। वोल्टेज का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। और ये बात सच है, कोई भी वोल्ट मीटर ईएमएफ नहीं नापता क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस लगा होता है, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी काउंट करता है। और जब किसी बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे हों तो जब वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करोगे तो वो वहां पर ईएमएफ नहीं नापेगा, वो नापेगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात हो गई, ठीक। तो टिक लगा दिया, ध्यान से असर्शन पढ़ा और क्या वो थ्योरी से मैच करता है ये देख लिया, और अगर वो लगता है सही है तो फिर हमने उसको टिक कर लिया दिमाग दिमाग में, या पेंसिल से तो पेपर पे लिखने नहीं देते, तो पेपर को लिखिए मत कुछ भी क्योंकि ये अगेंस्ट रूल्स है। रीजन दिया है, ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। कह रहा है कि जो ईएमएफ नापने की डिवाइस होती है उसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो यार ये बात भी ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। तो लेकिन वोल्ट मीटर ईएमएफ क्यों नहीं नापता, ये इसका आंसर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्ट मीटर ईएमएफ क्यों नहीं नापता, तो आप बोलोगे ईएमएफ नापने के लिए तो क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। पर ये तो मेरी बात का आंसर नहीं हुआ। मैंने आपसे पूछा वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस तो नापता है, वोल्टेज नापता है, लेकिन ईएमएफ क्यों नहीं नापता। तो आपने कहा सर ईएमएफ नापने के लिए पोटेंशियोमीटर होता है। क्यों भाई, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर तो दोनों बात सही है लेकिन आंसर ठीक नहीं है। तो देखो बी ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो यहां पर मेरा आंसर आएगा बी, क्योंकि दोनों ठीक थे बट रीजन वाज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन, सो आई विल सेलेक्ट बी पॉइंट। कितने बच्चों को समझ में आया असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, कॉमेंट करके बताइएगा। और क्या आप इस तरह टेक्निक से कर दोगे वो भी कमेंट करके बताना, और असर्शन रीजन क्वेश्चन लास्ट में करना क्योंकि शुरू में करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले आप वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना जो आपको इजीली आते हो, असर्शन रीजन क्वेश्चन करने के लिए लास्ट में टाइम बचाना और तब सोल्व करना, और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप टॉप करोगे बच्चे।